दोस्तों आज मैं एक प्रोबेबिलिटी की बहुत अच्छी एक शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूं। अगर दोस्तों आपके पास अगर तीन डाइस है और तीन डाइस को आपने थ्रो किया और रोल कराया और आपसे पूछा जाए रोल और थ्रो कराने के बाद क्या प्रोबेबिलिटी होगी सम 15 आएगा, क्या प्रोबेबिलिटी होगी सम 13 आएगा, तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वहां पे आप सैंपल स्पेस बनाओगे, वहां पे आप ट्रिपलेट निकालोगे तो काफी वहां पे समय लगेगा। तो उन क्वेश्चंस के लिए मैं यहाँ पे एक बहुत अच्छी एक शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है मैजिकल सर्कल। इस शॉर्ट ट्रिक को अगर आप लगाएंगे तो विद इन आई थिंक 5 to 10 सेकंड आंसर आ जाएगा। किसी प्रकार का सम पूछता हो तो पहले सम 12 का पूछे या फिर 11 और 12 का पूछे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का पूछे, किसी का भी पूछे, अपन आराम से निकाल सकते हैं। अगर तीन डाइस को अगर आप रोल कराते हैं या थ्रो कराते हैं तो किसी भी नंबर का सम अगर आपसे पूछा जाए तो इस ट्रिक को दोस्तों आप लगाइए, काफी कम समय में आपको आंसर मिलेगा और ये IIT JEE और दूसरे कॉम्पिटिशन एग्जाम के बच्चों के लिए काफी वीडियो हेल्पफुल होगा। तो आओ इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, इस एक बार मैं थोड़ा इस मैजिकल सर्कल को मैं समझाना चाहूंगा, उसके बाद मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लूंगा, क्योंकि जो सारे इस शॉर्ट ट्रिक के जो राज है इस सर्कल के अंदर ही है। तो अगर आपको ये मैजिकल सर्कल अगर आपको समझ में आ गया तो ये ट्रिक आपको बड़ी आसानी से काम कर जाएगी। तो दोस्तों इस सर्कल को आप जरा ध्यान से देखिए। इस सर्कल पे दोस्तों मैंने क्या किया कि जो पॉसिबल जो सम होता है तीन डाइस को रोल कराने पे, ठीक है ना, उसके जो फेवरेबल आउटकम है उसकी शॉर्ट ट्रिक है। जैसे दोस्तों मैंने सबसे पहले देखो 3 और 18 को दोनों को एक साथ लिखा है। तो क्यों लिखा है 3 और 18 को एक साथ, क्योंकि अगर तीन डाइस को रोल करूंगा तो तीन कब आएगा, उसका आने का एक ही तरीका है, जब तीनों डाइस में एक एक आ जाए, ठीक है। और 18 आने का तरीका क्या, तीनों डाइस में 6-6 आ जाए, तो दोनों ही केस का पॉसिबल वे क्या एक ही है। तो इसलिए मैंने 3 और 18 को एक जगह लिखा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इसका एक क्या, इसका फेवरेबल आउटकम क्या है, 1 है, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, यह 1 आपने लिख दिया, उसके बाद जो आगे वाले जो है 4 आने का क्या है, 5 आने का क्या है, 6 आने का क्या, उसकी मैं को ट्रिक बता रहा हूं, कुछ नहीं करना है आपको दोस्तों। यहाँ 1 के बाद यहाँ पे +2 करना है, समझ में आ रहा ना, +2 करने पे दोस्तों आपको यहाँ क्या मिलेगा, 3, मतलब 3 फेवरेबल आउटकम क्या है, सम 4 आने का। उसके बाद क्या करना है, +2 किया तो अगली बार आप +3 कीजिए, देखो सिमेट्रिसिटी है यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, 6 कीजिए, 6 मिलेगा। अच्छा पिछली बार आपने 3 किया था प्लस, इस बार +4 कीजिए, तो +4 करने पे आप दोस्तों आपको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। पिछली बार आपने +4 किया, इस बार +5 कीजिए, आपको मिलेगा 15। पिछली बार +5 किया था, +6 कीजिए, आपको मिलेगा 21। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा ना क्या करना है। अच्छा यहां तक तो पूरी सिमेट्रिसिटी, लेकिन आगे जो 9 और 10 है यहां पे आपको सिमेट्रिसिटी नहीं मिलेगी, यहां पे आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको 4 करना है, उसके बाद आपको +2 करना है, ठीक है दोस्तों। अभी 4 और 2 को भी याद रखा जा सकता है, क्योंकि देखो 4 प्लस 2 कितना होता है दोस्तों, 6 होता है। देखो तो ये आपको याद रहेगा कि 6 के बाद मैंने +4 और +2 किया था, तो प्रीवियस वाले में भी +6 किया था, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला जो सर्कल का जो आधा पार्ट है ये अपना कंप्लीट हो गया, और 10 और 11 दोनों का फेयरवेल आउटकम 27 ही रहता है, ठीक है दोस्तों। इसका भी 27 रहेगा और इसका भी 27 ही रहेगा, दोनों वाले केसेस के अंदर सेम ही फेवरेबल आउटकम निकलता है। अगर सम 10 और सम 11 निकालना है वो भी 3 और 18 की तरह सेम ही निकलता है। उसके बाद ये वाला जो सर्कल का जो पार्ट है सेम टू सेम इसका रेप्लिका है, यानी इसकी मिरर इमेज है, यानी मेरे को क्या करना है, इस वाले नंबर को वापस एज इट इज यहां पे उतार लेना, तो उतार लेता हूं मैं, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा दोस्तों, 25 आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ध्यान से देखिए 25। उसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, 21। उसके बाद क्या लिखेंगे, 15। उसके बाद दोस्तों क्या लिखेंगे, 10। उसके बाद दोस्तों क्या लिखेंगे, 6। उसके बाद दोस्तों क्या लिखेंगे, 3। और 3 के बाद क्या है, 1, जो अपने मतलब पहली वाली जगह आ गई। तो देखो ये वाला जो पूरा पोर्शन है सेम टू सेम दोस्तों इसका क्या है, रेप्लिका है। और ये वाला पोर्शन कैसे निकला मैंने बता ही दिया है, 3 और 18 आने के चांसेस मतलब प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या होते हैं, एक ही तरीका होता है, 3 आएगा जब तीनों ही डाइस के अंदर नंबर आपको एक एक दिखे, और 18 कब आएगा जब तीनों डाइस के अंदर नंबर आपको 6-6 दिखे, तो उसका चांस 1 है। और 1 के बाद मैंने कहा था आपको सिमेट्रिसिटी बताई थी, 1 के बाद +2 करना है तो 3 मिलेगा, 3 के बाद आपको फिर प्लस उसी ऑर्डर में करना, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा यहाँ पे, 3 के बाद +3 करना तो 6 मिलेगा, उसके बाद +4 करना, फिर +5 करना, +6 करना है। उसके बाद आपको ये दो जगह थोड़ा याद रखना पड़ेगा, लेकिन आप उसको भी याद कर सकते हो, क्योंकि ये 4 और 2 जो ऐड कर रहा हूं उसका सम भी प्रीवियस वाले का 6 आ रहा है, और ये 27 और 27, 10 और 11 का सेम पॉसिबल आउटकम होता है फेवरेबल। तो दोस्तों ये एक बार आपको मैजिकल सर्कल आपको समझ में आ गया तो मैं गारंटी देता हूं बड़ा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। जैसे आप क्वेश्चन लीजिए, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम 15 व्हेन यू रोल्ड 3 डाइस, कुछ नहीं करना है दोस्तों, 15 को देखिए, 15 कहां पे, ये रहा 15 का, देखो दोस्तों यहां पे क्या लिखा हुआ है, 10। 15 का दोस्तों यहां पे क्या लिखा हुआ है, 10, तो क्या होगा, 10 अपॉन 3 डाइस को आपने रोल किया है,
तो टोटल आउटकम कितने होंगे, 6 क्यूब यानी 216। दोस्तों ये आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म। मतलब कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 11 और 12 व्हेन यू रोल द 3 डाइस। ये आपको यहाँ पे दे रखा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आपको दे रखी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट दे रखी है, इसका मतलब 11 भी आ सकता है और 12 भी आ सकता है, यानी आपको P11 प्लस P12 दोनों निकालने पड़ेंगे। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, यहाँ पे आप 11 को चेक कीजिए, 11 आपको दे रखा है 27 प्लस 12 को चेक कीजिए, 12 पर वैल्यू दे रखी 25 और पॉसिबल आउटकम 216 दोनों को दोस्तों ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 52/216। तो दोस्तों देखो कितना आसानी से, मतलब विद इन 3-4 सेकंड आंसर आपका 5-6 सेकंड आंसर मिल सकता है। अगर आपको ये मैजिकल सर्कल समझ में आ गया है और 3 डाइस को आपने रोल कराया है तो यू कैन गेट द आंसर विद इन 5-10 सेकंड। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और भी दोस्तों मैं आगे ऐसे ऐसे वीडियो लेके आऊंगा। आपने दोस्तों ये वीडियो देखा उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और आने वाले वीडियोस में और अपन कोशिश करेंगे कुछ और अच्छी शॉर्ट ट्रिक लेकर आए जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखा, थैंक यू।